पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय मेरी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और पीछे आप मेरे जस्ट एक बैनर देख रहे हैं। तमाम यहां पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बैनर में साफ तौर से देख पा रहे होंगे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। 12वां दिन है यूपी ट्रिपल एससी जेई 28 एग्जाम 2016 एंड 04 एग्जाम ऑब्लिक 2018 यानी 2016 और 2018 के यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हैं। कल क्या कुछ हुआ आपने देखा, तमाम अखबारों की सुर्खियां बना, तमाम चैनलों पे चला। लगातार यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन था थोड़ा सा उग्र हुआ। अपनी बातें उठाने के लिए अब बाहर निकल रहा था, विधानसभा तक जाने का प्रयास कर रहा था, यहाँ पर घेर लिया गया और तमाम अभद्रता भी हुई, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है हमारे पास। हम यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये धरना क्यों चल रहा है और क्या कुछ मांगे हैं इनकी। स्टार्ट करते हैं सर, सबसे पहले आप ही से, आपका नाम क्या है सर? जी मैं उज्ज्वल हूँ। कहाँ से आए? जी मैं प्रयागराज से हूँ। 2016 की भर्ती या 18 की भर्ती, किस में दिक्कत? दोनों वैकेंसियाँ अभी पेंडिंग हैं। 16 की वैकेंसी जिसको एग्जाम कराए एक वर्ष से ऊपर हो गया है और 18 की वैकेंसी जिसको एग्जाम कराए 6 महीने के ऊपर हो गया है। और जब भी आयोग जाते हैं केवल आश्वासन मिलता है। कल हम लोग हतोत्साहित परेशान होकर भारी संख्या में यहाँ पे जमावड़ा लोग हमारे अभ्यर्थियों का हुआ और हम लोग विधानसभा की ओर जा रहे थे, लेकिन हमको वहाँ जाने नहीं दिया गया। बैरिकेडिंग लोग रोक के पीएससी बुला के हम लोगों को रोक लिया गया और हम लोग अन्य विनय किए। हमारे अभ्यर्थी रोए, परेशान हुए, गिड़गिड़ाए। एक हमारी महिला अभ्यर्थी बेहोश भी हो गई जिसको अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन इन सब बावजूद वहाँ पर जो ACP साहब मौजूद थे उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं कल आपको 4 प्रतिनिधिमंडल को आपको हम आयोग में ले चलेंगे और सचिव साहब से मुलाकात कराएंगे। आज हुआ, हम लोग आए यहाँ पर, उनके कहने पर चले गए थे। आज हमको जब वहाँ ले जाया गया और वहाँ पे जो हमें पता था पहले से वही होना है। हतोत्साहित है, परेशान है। जो चीज़ पहले हम सुनते आए हैं वही चीज़ आज भी सुनी। उन्होंने बस यही कहा, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। और आज तो एक अजीब बात मुझे और लगी जिसे बहुत द्रवित हूँ, क्योंकि 16 का तो बोल रहे हैं हम जनवरी में दे देंगे, दिसंबर लास्ट या जनवरी में 16 का दे देंगे, और 18 के जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं 18 की बात ही मत करो अभी। क्यों? क्योंकि पहले हम 16 तो निपटा लें। 16 को निपटाया, 22 में तो क्या 18 को निपटाने वाले हैं? 28 में दो वही चीज़ें हैं सर। बहुत परेशान हैं हम सब के सब, परेशान, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें हम। और 16 की वैकेंसी जो एक कार्यकाल पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्यकाल हमारा चल रहा है और इसके पहले जो सरकार थी उस सरकार की वैकेंसी ये है, अभी तक ये पूर्ण नहीं करा पाए हैं। तो क्या हम उम्मीद लगाएं कि 18 का कब होगा? मैं 28 साल का था जब मैंने इसमें भर्ती में अपना कहते हैं फॉर्म अप्लाई किया था। आज मेरी उम्र 35 साल हो गई है। अगर इसमें हमारा नहीं हुआ तो हम एलिजिबल ही नहीं है। अब कोई वैकेंसी फार्म नहीं डाल पाए। हमारे जितने भी साथी सब 30 प्लस हैं। अब सोच लीजिए क्या हम पे बीत रही होगी, घर परिवार वालों पे हम क्या जवाब दें, ना रिश्तेदारों में क्या जवाब दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। लग रहा है यहीं हम आत्महत्या करके जान दे दें। आपका नाम क्या, आपका नाम क्या? जी मेरा नाम अमन रावत है। कहाँ से आया हुआ? मैं अलीगढ़ से आया हुआ हूँ। अलीगढ़ से आए हैं जी। लगातार आश्वासन दिया जा रहा है जी, लगातार आश्वासन दिया ही जा रहा है। बार बार हम जाते हैं, बार बार आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिलता है। किससे किससे अभी तक मुलाकात हो चुकी है? अभी सचिव साहब से मुलाकात हुई है कई दफ़ा जो है, तो बार बार वो आश्वासन देते हैं डेट पे डेट के। अगस्त जुलाई में गए तो अगस्त की डेट दे दी, अगस्त में गए तो सितंबर में दे दी, सितंबर में गए तो बोलते हैं कि इस बार आपकी दिवाली अच्छी बनेगी। वही बार बार आश्वासन के सिवाय हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। सिर्फ टहलाया जा रहा, बाकी कुछ नहीं? जी जी, अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है इस भर्ती पे जो है। क्या किसी आला अधिकारी के अलावा क्या किसी मंत्री वगैरह से भी आप लोगों ने मुलाकात की अभी तक? जी बिल्कुल की जा रही है। नाम पहले बता दें, क्या है, कहाँ से आए? जी मेरा नाम अमन वर्मा है और मैं बाराबंकी से आया हूँ। हमारा भी वही दिक्कत है कि हम लोग मंत्रियों से मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों को अपना वो प्रेस नोट वगैरह दे रहे हैं और अपनी बात जहाँ तक पहुँचाई जा सकती पहुँचा रहे हैं, बट बात ये है कि ये लोग चाह ही नहीं रहे रिजल्ट। क्योंकि बात अगर देखिए, कोई वैकेंसी को फंसाने का एक कोई कारण होता है, जैसे 16 की वैकेंसी का रिजल्ट 22 में भी नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है? मतलब उसको कुछ तो क्लैरिटी देनी चाहिए ना। जैसे सचिव साहब को ये बताना चाहिए कि क्यों नहीं दे रहे रिजल्ट। उसके बाद की वैकेंसी, जैसे 2022 में अभी ANM का
वैकेंसी आया, जनवरी में आया, अभी अगस्त तक फाइनल हो गया, तो वो हो रहा है फाइनल। हमारा 16 की वैकेंसी है मात्र 386 पोस्ट के लिए, पद हैं 386 पद हैं, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा। कोई कारण नहीं फंसा है, कुछ नहीं फंसा है, ना कोई कोर्ट में भर्ती है, ना कोई केस है, कुछ भी नहीं है उस पर, वो मतलब नई रिजल्ट फंसा लिए। तो उसका वही मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 16 का वैकेंसी 23 में क्लियर कर रहे हैं, अभी 23 जनवरी आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता जनवरी में भी देंगे। हालांकि अभी हमारे कुछ मतलब लोग गए वहाँ, सचिव जी तो खैर मिले नहीं, परीक्षा नियंत्रक जी से बात हुई और उन्होंने तो बोल दिया कि जनवरी तक दे देंगे, बट मैं कह रहा हूँ जनवरी में भी नहीं देंगे, लोग झूठ बोल रहे हैं। जुलाई में नहीं दिए, जुलाई में बोले थे कि जुलाई में देंगे, नहीं दिए। अगस्त में बोले नहीं देंगे, नहीं दिए। अक्टूबर में वो बोले दिवाली आपकी अच्छी मनेगी, हमें पता था नहीं मनेगी, नहीं मनी। कौन सी दिवाली सर, घर नहीं जा पाए हम लोग, क्यों जाएंगे घर? वहाँ पूछते हैं कि कितने दिन, तुम तो यार कह के गए थे कि यार अभी जा रहे 4 महीने 5 महीने, क्योंकि पेपर हुआ 2021 में, 16 वाला जो 2016 का वैकेंसी का पेपर, तो 2021 में हम लोग आए थे नवंबर में रुकने के लिए कि चलिए पेपर इस बार हो जाएगा शायद, लग रहा है। तो नवंबर में आए, कमरा लिए, यहाँ 4-5 हज़ार रुपये कमरे का रेंट दे रहे थे, नवंबर में पेपर हुआ, तो फिर अगला लगा कि 18 में भी पेपर हो जाएगा 2018 वाली वैकेंसी का, तो उसका अप्रैल में लगा, तो हमने 4 महीने कहीं से पैसे अरेंज करके और 4 महीने और रुके कि चलिए ये भी पेपर निपटा के तब जाते हैं घर। फिर अक्टूबर में, जब अप्रैल में पेपर हुआ, तो मुझे लगा कि अब अगस्त में माहौल बन रहा है, रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो हम लोग वही धरने देने चले गए। धरना दे रहे थे हम लोग कि रिजल्ट सर 2016 वैकेंसी, थोड़ा तो जल्दी कर लीजिए, कुछ तो मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम लोग रुक पाए। एक घर से पैसे लेने में सर दिक्कत होती है, बात ये है, 4 हज़ार रुपये सर हम लोग किसान के घर से आते हैं सर, इस समय जान रहे हैं ना वो सार खा जा रहे हैं सर, फसल भी हो नहीं रही है। दूसरी चीज़, 4-4 हज़ार रुपये सर हर महीने दे पाना सर, ये जो लंबी गाड़ियों घूमते हैं ना फॉर्चुनर में, ये सर ये सर हम लोग सपने भी नहीं सोचते हैं, सपने में भी सर अल्टो नहीं ले पाए सर। बात ये है कि दो पहिए बाइक पे नहीं घूमते सर, सब्जी भी लेने जाते हैं ना तो अपना साइकिल भी नहीं मिलती सर। महीने खर्चा 4 हज़ार है सर कमरे का, और वो हर महीने की 1 तारीख को आके ले ही लेता है, ना लो तो जलालत भरी ज़िंदगी जियो। तो बात ये है कि सर ये लोग क्यों फंसा रहे हैं? कोई बंदा भाई 2016 का वैकेंसी में फंसा हो बेचारा, रुक पाएगा? कोई सोच के तो देखिए सर, कमरा लेकर रुक पाएगा 16 की वैकेंसी का लड़का? यहाँ 12 दिन कैसे गुजरे आपके, आप बताएं, नाम क्या आपका, आगे आ जाइए थोड़ा सा, नाम क्या है, कहाँ से आए? जी मैं आदर्श यादव और मैं जौनपुर से आया हुआ हूँ। कैसे 12 दिन गुजरे और आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से क्या करेंगे? जी जी सर, मैं आपको बता दूं, आज 12वां दिन है और लगातार पहले दिन से ही हम लोग जो है कि लगातार जो है कि यहाँ बैठने के अलावा भी हम जो है मंत्री जितने हैं, चाहे वो हमारे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जनता दरबार हो, योगी जी से मिलने की कोशिश की हमने, बृजेश पाठक जी से मिलने की कोशिश की, और जैसे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी, उनसे मिलने की कोशिश की। मतलब जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जितने मतलब हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की मतलब आयोग जाते हैं तो आयोग कहता है कि आयोग में भी जाने के। रुकूंगा, आप मंत्रियों से मिलने का आपने प्रयास किया, उप मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास, क्या मुलाकात हो पाई? जी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके प्रतिनिधिमंडल कोई थे, उन्होंने रिसीविंग ली और उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त करते हैं कि इस पर जरूर काम होगा, कभी पुरानी वैकेंसी है हम इसको ध्यान में रखेंगे और इस पर काम। समय दिया उन्होंने? उन्होंने कोई समय नहीं दिया, उन्होंने कहा हम बिल्कुल हम सचिव जी से बात करेंगे इस मुद्दे पे, आखिर क्यों लेट हो रहा है, हम उनसे जवाब सवाल करेंगे। तो लेकिन उसके बाद भी सर क्या जवाब सवाल, क्या हमको तो कुछ नहीं रिस्पांस मिल रहा है सर। हम 12 दिनों से सर यहाँ बैठे हुए हैं, कौन कहाँ से, मैं जौनपुर से आया हूँ, कोई मिर्ज़ापुर से, कोई बनारस से, कोई अलीगढ़ से आया है सर। अच्छा, कोई यहाँ पर सुध लेने भी आता, कोई आला अधिकारी, कोई मंत्री, कोई आता है या नहीं आता सर? कौन आता, वही तो मैं पूछूँ, आता है तो सुध लेता है, तो फिर वो सुध हमारा सुन कहाँ रहा है, हमारा हमको रिस्पांस कहाँ मिल रहा है? मुलाकात यहाँ करने आया अभी तक क्या ACP साहब आते हैं? कल भी हम लोग जो है कि बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, तो हमारे कहे मुलाकात कराएंगे जो है कि हमसे, तो हम लोगों ने कहा कि हताश होकर के कोई सुन नहीं रहा, तो हम सीधा जो है विधानसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री आवाज़ जाएंगे, हम कहीं तो अपनी आवाज़ उठाएंगे। आखिर कितने दिनों तक सर हम ऐसे बेरोजगारी का दंश से झेलेंगे सर? हमारी क्वालिटी मतलब हमारे जो है कि टैलेंट पे शक किया जाता है कि आप आखिर क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई किया तुमने? मतलब कल आप जा रहे थे भगत सिंह वाला काम करने, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे साथी तैयार थे कि आखिर हम इस जिल्लत भरी जिंदगी से, इस ताने भरे, हम ताने सुनने पड़ते हैं सर, उन तानों से बच के हम मतलब हम चाहते हैं कि इससे अच्छा है तुम, हमने तो कहा सर मार दो हमको, आप मार दो अगर आपको लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, आखिर ताने ही तो सुन रहे हैं ना सर, क्या है ये जीवन बताइए? हम 6-7 साल ऐसे बेरोजगारी में ऐसे ना तो ढंग से जी पा रहे हैं, ना ढंग से खा पा रहे हैं सर इस, और हमेशा एक उम्मीद तो आप दे देते हो कि हाँ आप अगले महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद, फिर वही बातें हो जाती हैं, फिर जो है कि फिर आपकी वही बातें हो जाती हैं, फिर आप फेल हो जाते हो। आज भी हम गए थे सर, आज प्रतिनिधिमंडल ने हमको भी भेजा था यहाँ से, हम वहाँ गए थे, फिर आज भी वही हुआ सर जो पहले होता आया है।
आज भी वही हुआ, सिर्फ आश्वासन हुआ है सर। सुबह कुछ खाया भी आप लोगों? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं खाया है सर। कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया है। पीछे देखिए एक महिला अभियान से बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? आगे आ जाए पहले, नाम क्या आपका? सर मेरा नाम निधि सिंह है। कहाँ से आई हैं? मैं प्रयागराज से आई हूँ। डिमांड क्या है लास्ट में? एंड में डिमांड, फिर उसके बाद एंड करूँगा। डिमांड यही है कि सर हमारी जो 2016 और 2018 की जो रिजल्ट है, परिणाम अभी तक लंबित है, उसको जल्द से जल्द जारी करने का कष्ट करें, कृपा करें, जो कहें वो करें। जी बताएं बताएं, नाम क्या आपका? जी मेरा नाम सूर्य गंगवार है सर, मैं फरुखाबाद से आया हूँ। ये हमारी जेई की वैकेंसी जो है अधीन सेवा चयन आयोग के थ्रू आई थी। अधीन सेवा चयन आयोग एक ऐसा विभाग है सर जो हमें 6 सालों से लटका रखा है, ठीक है, और इतना हताश कर रखा है हमें कि हम आए दिन रोते रहते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुध नहीं है किसी को सर, इतना परेशान हो चुके हैं। आप योगी जी तक अगर मेरी बात पहुँच रही हो तो आप, मैं हर बार जब भी कोई वीडियो बनाता है, जब भी कोई मीडिया कर्मी आता है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, एक बार इस पर आप निगाह डाल के तो देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम जब जा रहे हैं हमें रोज़ बोल दिया जाता है कि यहाँ पर कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं, हम ले के आएंगे कर्मचारी, हम कर्मचारी लाएंगे क्या सर? कौन लाएगा कर्मचारी? हम 7 साल बैठे रहे, हम और 5 साल और बैठे रहे, 12 साल हम बैठे रहे पेपर देने के बाद में। कौन कहता कर्मचारी नहीं है? हमसे परीक्षा नियंत्रक आज बोले हैं, सबके सामने बोले, पूरा विभाग के सामने बोले हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। इससे पहले भी सचिव के पास गए, सचिव जी हमसे बोलते हैं कर्मचारी नहीं है, क्या कर्मचारी भी हम फिल करेंगे क्या? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार नहीं देख रही इसको? आपके पास आज हमारे पास वो डेटा, कौन से कर्मचारी नहीं है? जो उनका काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं, वो यहाँ उनके पास नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं वो हमसे। मैं आज जो आपकी भर्ती के जो काम देख रहे हैं वो कर्मचारी उनके पास नहीं है? मेरी भर्ती नहीं, अधीन सेवा चयन आयोग के पास कर्मचारी नहीं है, कर्मचारियों की कमी है। वो हमसे बोलते हैं कि हमारे पास 1/3 कर्मचारियों में हम वो काम कर रहे हैं, जबकि ये सब काम किसका है सर? ये सरकार इस पर निगाह डाले, योगी जी दुनिया भर का अपना सब कुछ बताते हैं, एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। बाकी आप सब कुछ सही कर रहे हैं, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। आप अधीन सेवा चयन आयोग पर तो निगाह डाल लीजिए एक बार को कि वहाँ क्या हो रहा है सर। अभी हमारे पास कल हमने एक चार्ट लगा रखा था, बिल्कुल एज इट इज, उसमें जो भी डिटेल्स थी बिल्कुल सही थी, तो उसमें जो है 2016 2018 की वैकेंसियाँ पेंडिंग है। आप एक बार ये देखिए कि 16-18 की वैकेंसी को अगर आप पेंडिंग रख रहे हैं तो आप रोजगार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि अदर स्टेट वालों को हम जो है यूपी में रोजगार देंगे, आप अपने स्टेट वालों को रोजगार दे दीजिए पहले। अगर हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है सर, हमारे पास अगर अवेलेबल होगी तो हम आपको दिखाएंगे 2016 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी, 2019 के 5-6 विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी जो है परिणाम लंबित हैं, 2020 की वैकेंसी, 2021 की वैकेंसी और 2022 भी इस पूरी निकल गई इसकी वैकेंसी। आप क्या कर रहे हैं, क्या अधीन सेवा चयन आयोग कर रहा है? एंड में डिमांड क्या आपकी? डिमांड आप कर्मचारी बढ़ाइए, अगर आपके पास कर्मचारी कमी है तो आप बढ़वाइए, आप सरकार से जाइए, आप क्या कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ें, हम एग्ज़ाम दें, हमने पेपर दे दिया, हमारा जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है हमें रिजल्ट दे दीजिए। आप उसमें समय मत लगाइए और इतना समय मत लगाइए कि यहाँ पर एक आध जो है मर जाए यहाँ पर। हमें आर्थिक शोषण हमें जवाब नहीं दे मिलता है, हमारे घर वालों को, हमारे समाज को जवाब नहीं दे मिलता है कि हमारा हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं। हम 10th करके हमने डिप्लोमा किया है और हम किसी और वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हमारे लिए यही सब कुछ है। हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, यहाँ पर एक दो जो है बैठ जाएगा भूख हड़ताल पे, मर जाएगा, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और मर जाएगा, शहीद हो जाएगा। ये वैकेंसी की सर लिस्ट है 2018, इसमें 2016 का विवरण इसमें दर्ज नहीं है। 2016 की वैकेंसी, 2018 की 2 वैकेंसी है, 19 की 1, 2, 3, 4, 5 वैकेंसी 19 की और 21 की, ये 21 की वैकेंसी, इसमें 21 का और भी कार्यक्रम है वो इसमें ऐड नहीं है। तो आप 2019 देखिए, 2018 देखिए, 2016 देखिए, तब आप डिसाइड करिए कि आपने काम क्या किया है। आप पिछले 2 कार्यकाल आपके, एक कार्यकाल आपका पूरा चला गया, अगली एक साल, अब 1 साल होने जा रही है, आप कार्यकाल में ये आप नौकरी दे रहे हैं, ये रोजगार दे रहे हैं आप? अब किस रोजगार की बात करते हैं आप? आप केवल 2 वैकेंसियां जो है 40-40, 50-50 हज़ार पुलिस वाले भर लिए आपने, क्या उससे सबको रोजगार मिल गया? हमारी हाइट नहीं थी, हम हाइट से बाहर हो गए पुलिस से, हम नहीं ज्वाइन कर पाए, बैठे हुए आज हम 32 साल हमारी उम्र हो गई, हम अभी तक बैठे हुए हैं, हम नहीं, अब हाइट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। हमारे पास और उच्च शिक्षा हमने नहीं ले पाई है, हम किसान के परिवार से आते हैं, हमने उच्च शिक्षा नहीं ले पाई है, तो हम किसी और भर्ती में एलिजिबल नहीं है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और ज़रा एक बार योगी जी आप संज्ञान लीजिए अधीन सेवा चयन आयोग का, कि आप अपना पुराना डेटा हमें ला के दीजिए कि आपके पास में कितना पेंडिंग है, आप वो पेंडिंग काम उनका देख लीजिए, फिर आप आगे उन पर डिसीजन लीजिए क्या करना है आपको।
तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2016-2018 में यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया था जूनियर इंजीनियर का। लगातार यहाँ पर 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है इको गार्डन में राजधानी लखनऊ के। तमाम यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं कल के दिन विधानसभा जाने का प्रयास भी करते हैं, यहाँ पर रोक दिया जाता है, आवाज़ उठाने का प्रयास किया जाता है तो आवाज़ दबाई जाती है, ऐसा आरोप है। क्या कुछ होने वाला है आगे, ये तो आगे का आने वाला समय ही बताएगा। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कार्य प्रणाली पर जब वैकेंसी निकाल दी जाती है और उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलती और इनका रिजल्ट नहीं निकाला जाता। इस खबर से जुड़ी हुई हर मुद्दों के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।